नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस व्यवसाय एवं वित्तीय शिक्षण अभियान में। मैं हूँ रुपया। मेरा नाम रूपा है। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए उन्नति और विकास का रास्ता, जिस पर चलकर आप अपनी जिंदगी में ला सकते हैं सकारात्मक बदलाव। मैं हूँ राजू। अपने घर को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आगे वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। देखो राजू, वित्तीय प्रबंधन किसी भी व्यवसाय योजना का अंतिम चरण होता है, जिसमें आय और व्यय का अनुमान लगाया जाता है। ज्यादातर छोटे व्यवसायी व्यावसायिक वित्तीय योजना से जुड़े मसलों को अनदेखा करते हैं और भविष्य के प्रति लापरवाह रहते हैं, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। वित्तीय प्रबंधन प्रत्येक व्यवसाय के लिए आवश्यक है। अच्छा दीदी, तो फिर वित्तीय प्रबंधन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? किस तरह से अपने व्यवसाय के लिए वित्तीय योजना बनाई जानी चाहिए? देखो, किसी भी व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वित्तीय नियोजन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस चीज का व्यवसाय कर रहे हो। महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हें अपने व्यवसाय के पर्याप्त आमदनी एवं खर्चे का पूर्वानुमान हो। वित्तीय प्रबंधन में सबसे जरूरी है खर्चे का निर्धारण करना, लेकिन खर्चे को निर्धारण करते वक्त व्यक्तिगत खर्चे और व्यवसाय के लिए किए जाने वाले खर्चे को अलग अलग आकलन करना बेहद जरूरी है। अक्सर छोटे उद्योगों में हम व्यक्तिगत खर्चों को व्यवसाय से अलग नहीं मानते और इससे भारी नुकसान कर बैठते हैं। भविष्य में होने वाले खर्चों में कुछ तो ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमें पहले से पता होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो अचानक ही आधमकते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना, उनके शादी ब्याह आदि के खर्चे पूर्व निर्धारित होते हैं, पर अचानक किसी सदस्य का बीमार हो जाना, फसल बर्बाद हो जाना, मवेशी का मर जाना आदि अचानक होने वाले खर्चे हैं। इन सभी के लिए हमें वित्तीय योजना बनाने की जरूरत है। मान लो कि तुम बांस से छोटी मोटी चीजें ना बनाकर कुछ बड़ी चीजें जैसे बांस के आधुनिक हैंडीक्राफ्ट या अच्छा फर्नीचर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें नए औजारों की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार खेती के लिए किसी तरह का औजार खरीदने की जरूरत है, या फिर मोटरसाइकिल खरीदने की जरूरत है, तो इसके लिए लघुकालीन वित्तीय योजना बनाने की जरूरत है। कुछ व्यावसायिक खर्चे भी अकस्मात हो जाते हैं, जैसे किसी मशीन या उपकरण का खराब हो जाना। इन सब के लिए भी अलग से योजना बनाकर बचत की आदत डालो। व्यवसाय में वित्तीय योजना का निर्धारण। व्यवसाय के लिए वित्तीय योजना बनाते समय सबसे पहले जरूरी है व्यवसाय में प्रारंभिक चरण में होने वाले निवेश, व्यवसाय को शुरू करने में होने वाले खर्चे जैसे कच्चे माल की आपूर्ति, फर्नीचर, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर खर्चा, एवं व्यवसाय को स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी चीजों के खर्चों का आकलन करना। मान लो तुम्हें अपने व्यवसाय को चलाने के लिए शुरुआत में 50,000 रुपए की आवश्यकता है, पर तुम्हारे पास सिर्फ 30,000 रुपए ही है। इस परिस्थिति में बाकी के बचे 20,000 रुपए का प्रबंध करना। इसके लिए तुम किसी से कर्ज भी ले सकते हो, या फिर किसी और से अपने व्यवसाय में निवेश भी करवा सकते हो। व्यवसाय के लिए पूंजी संरचना वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण आयाम होता है। जैसे जैसे हमारा व्यवसाय बढ़ता जाता है, हमें और अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। किसी भी व्यवसाय में दो तरह की पूंजी लगाई जाती है, एक तो खुद जो व्यवसाय कर रहे हैं उनकी अपनी पूंजी, और दूसरा होता है ऋण। मशीन, औजार अथवा किसी बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश करने के लिए या फिर कार्यशील पूंजी के लिए हम बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाओं या किसी व्यक्ति से ऋण ले सकते हैं। पूंजी संरचना का मतलब ही अपना खुद का पूंजी और गृहित निधि यानी ऋण होता है। अपनी खुद की पूंजी और दूसरे माध्यम से लिए गए ऋण को हम उसी हिस्से के अनुपात में लाभांश बांटते हैं। ऋण की मात्रा सामान्य तौर पर खुद की पूंजी से कम या उसके बराबर रखने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे भविष्य में ऋण की भुगतान करने के लिए हमें मुश्किल ना हो। वित्तीय योजना के दूसरे चरण में होता है आय व्यय का आकलन। इस चरण में हर महीने लगने वाले लागत का आकलन किया जाता है। मान लो व्यवसाय चलाने के लिए 2 कर्मचारी रखने की आवश्यकता है, तो उसको हर महीने दिए जाने वाले वेतन, माल खरीदने में प्रति माह होने वाले खर्चे, व्यवसाय या दुकान पर होने वाले अन्य सभी खर्चे का आकलन करना। इसके बाद प्रत्येक महीने होने वाली आमदनी का आकलन किया जाता है। कैश फ्लो। उत्पादों के खरीद बिक्री से हुए लाभ का करते समय नगद भुगतान में लगने वाले समय का भी आकलन किया जाना चाहिए। जब हम किसी बड़े विक्रेता से उत्पाद खरीदते हैं, तो भुगतान के लिए
हमें कुछ समय दिया जाता है। इसी तरह हम आगे सामान बेचते हैं तो उसे भी भुगतान करने के लिए हमें कुछ समय देना होता है। इन दोनों के बीच संतुलन जरूरी है, अन्यथा भुगतान में समस्या हो सकती है। व्यवसाय में नगदी का प्रवाह हमेशा बने रहना चाहिए। भुगतान चक्र में नगद रुकने पर व्यवसाय पर प्रतिकूल असर पड़ता है और व्यवसाय बंद भी हो सकता है। इस तरह की स्थिति से बचने के लिए जरूरी है कि व्यवसाय में इमरजेंसी फंड की व्यवस्था की जाए। कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि खर्च ज्यादा हो जाता है और आमदनी कम। ये किसी भी व्यवसाय के लिए ठीक नहीं है। इसकी पूर्ति के लिए कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। कॉस्टिंग। व्यवसाय में किसी भी उत्पाद की लागत या कॉस्टिंग एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। अपने उत्पाद का सही मूल्य निर्धारण और उस उत्पाद की लागत दो अलग अलग चीजें हैं। निर्धारित मूल्य और लागत के बीच जितना अंतर होगा, हमें मुनाफा भी उतना ज्यादा होगा। इसीलिए उत्पाद बनाने में किस तरह कम लागत लगे, इस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद आता है उत्पाद के मूल्य निर्धारण का काम। हम बांस से कोई भी उत्पाद बनाते हैं, जैसे दरवाजा, फ्रेम, सोफे या कोई अन्य सामान, तो उस उत्पाद के मूल्य को निर्धारित करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. कच्चे माल की कीमत ढुलाई सहित। 2. कार्य लागत निर्धारण, जिसमें मजदूरी, बिजली व अन्य लगातार होने वाले खर्चे। 3. बिल्डिंग व मशीनों के उपयोग के साथ घटती हुई कीमत और उसकी आपूर्ति का सालाना खर्च। 4. बैंक से लिए लोन का ब्याज व बीमा का खर्च। 5. उत्पाद की पैकिंग, माल ढुलाई का खर्च। 6. वांछित मुनाफा। 7. दूसरे सप्लायर का मूल्य। हमेशा अपने उत्पादों के लागत को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे उन उत्पादों पर अधिक मुनाफा कमाया जा सके। व्यवसाय में होने वाली फिजूल खर्ची को रोककर भी लागत कम की जा सकती है। हमें लागत कम करने का सतत प्रयास करना चाहिए। जितनी लागत कम होगी, मुनाफा उतना ही बढ़ेगा। और अंत में, किसी भी व्यवसाय के वित्तीय प्रबंधन में सबसे अहम होता है अकाउंटिंग। हर एक खर्चे एवं आमदनी को ईमानदारी से लिखना और हिसाब करना। इसके लिए शुरू से ही अकाउंटिंग की आदत डाली जाए, जिससे सामान की सही लागत का पता लगाया जा सके और उसके कारणों का जायजा लिया जा सके। बुक कीपिंग नियमित रूप से करने से आयकर रिटर्न भरना आसान हो जाता है। व्यवसाय में चाहे लाभ हो या घाटा, परंतु व्यवसाय में आयकर रिटर्न प्रतिवर्ष भरना अनिवार्य है। इसी तरह हर व्यवसाय के लिए GST में पंजीकरण करवाना भी अनिवार्य है, एवं हर खरीद बिक्री पर GST भुगतान अनिवार्य है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST एक अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। GST के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगाया जाता है। ये केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए 15 से अधिक अप्रत्यक्ष करों के एवज में लगाया जा रहा है। शुक्रिया दीदी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। अब मैं अपने व्यवसाय के वित्तीय प्रबंधन अच्छे से कर सकता हूँ और मैं भी तरक्की कर सकता हूँ। बिल्कुल राजू,